Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tutions where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tutions and your teacher, mentor and friend. In this chapter we are going to cover the following topics. Introduction

सरवाइव करता है उसे एनवायरमेंट बोला जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज सराउंडिंग्स दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट एंड अडेप्टैमसेल्व टू द कंडीशन इन द एनवायरमेंट अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था सरवाइव अब यह सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरमेंट के टच में रहते हैं कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरमेंट से इंटरक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं ताकि वो उस कंडीशन में उस एनवायरमेंट में रह सके एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का ही ले लेते हैं हम अपने एनवायरमेंट से रेगुलरली टच में रहते हैं हमें पता होता है कि हाँ ठीक है कब जो है समर्स आने वाले हैं कब जो है वो रेनी सीजन शुरू हो जाएगा बारिश आने लग जाएगी कब विंटर्स शुरू हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हम लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस सिचुएशन में रहने के लिए नाउ देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स हैं एंड अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज अफ नाउ बाय अ लाइफ विंग लाइफ इन इट आर नोन एज बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो वर्ल्ड का मतलब ही लाइफ होता है और ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग क्या बनाता है इनकी कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटीज ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नॉन लिविंग चीजों से अलग होती हैं अब ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं दे कैन मूव दैट इज दे कैन शो मूवमेंट दे नीड फूड एयर एंड वाटर टू सरवाइव यानी कि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए दे कैन ग्रो ये ग्रोथ शो कर सकते हैं दे कैन ब्रीद रेस्पिरेशन दे कैन रेस्पायर ये रेस्पायर कर सकते हैं सांस ले सकते हैं दे कैन एक्सक्रीट एक्सक्रीशन दे कैन हैव यंग वंस दे कैन रिप्रोड्यूस तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है नाउ सिंस वी गॉट टू नो अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेट्स टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेसेस व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्मड बाय ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स टू कीप दम सेल्फ अ लाइफ अब ऐसे बेसिक फंक्शन हर इंडिविजुअल को हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने पड़ते हैं अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए ये सारे फंक्शन लाइफ प्रोसेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन डाइजेशन रेस्पीरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन क्या होता है इस वर्ड का मतलब जानने के लिए हमें सबसे पहले फूड का मतलब पता होना चाहिए फूड इज एन ऑर्गेनिक टू मेक एनर्जी फूड एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिय होते हैं और ये यूटिलाइज किए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी बनाने के लिए अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू गेट एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। न्यूट्रिएंट्स वो सारे पदार्थ वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है अपनी डेली बेसिस पे एनर्जी पाने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं हम अपनी मशीनरी में बैटरी डलवाते हैं ताकि उससे एनर्जी जनरेट हो और वो अपना काम कर सकें बिल्कुल उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ताकि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें ये एनर्जी बेसिकली चाहिए कैसे होती है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ़ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनके नरिशमेंट के लिए उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अब ये न्यूट्रिएंट्स कितनी तरीके के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिय अब इस फूड को एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं आइए वो देखें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी द एनर्जी इज यूटिलाईज बाई ऑर्गेनिजम टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज फूड को इनटेक करना यानी कि कंज्यूम करना इतना ही नहीं उसे कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन नॉर्मली लोग इसे ईटिंग से कन्फ्यूज कर देते हैं बट दैट इज नॉट ईटिंग ईटिंग सिर्फ उतना काम है कि हाँ ठीक है हमने खाना खा लिया उस खाने का एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना इज न्यूट्रिशन अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अगर आप सही तरीके का फूड लोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से एक्सेलरेट करेगा अगर आप गलत तरीके का फूड लोगे तो वो डीएक्सेलरेट करेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स यानी कि मीन्स मैथड सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन क्या होता है इस वर्ड का मतलब जानने के लिए हमें सबसे पहले फूड का मतलब पता होना चाहिए फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिय इन इट विच आर यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्मी फूड एक ऐसा ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रियट्स होते हैं और ये यूटिलाइज किए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी बनाने के लिए अब न्यूट्रियट्स क्या होते हैं न्यूट्रिय आर द सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू गेट एनर्जी For biosynthesis of tissues and organs, nutrients वो सारे पदार्थ वो सारे substances होते हैं जो एक organism consume करता है अपने daily basis पे energy पाने के लिए जैसे for example हम हमारी गाड़ियों में petrol डलवाते हैं हम अपनी machinery में battery डलवाते हैं ताकि उससे energy generate हो और वो अपना काम कर सके बिल्कुल उसी तरीके से हम human beings भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ताकि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें यह एनर्जी बेसिकली चाहिए किसे होती है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनके नरिशमेंट के लिए उनके स्मूद फंक्शनिंग के लिए अब ये न्यूट्रिएंट्स कितनी तरीके के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाइटामस मिनरल्स एंड वाटर ज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इस फूड को एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं आइए वो देखें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी द एनर्जी इज यूटिलाइज़ बाय ऑर्गेनिज्म डेली एक्टिविटीज फूड को इनटेक करना यानी कि कंज्यूम करना इतना ही नहीं उसे कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन नॉर्मली लोग इसे ईटिंग से कंफ्यूज कर देते हैं बट दैट्स नॉट ईटिंग ईटिंग सिर्फ उतना काम है कि हां ठीक है हमने खाना खा लिया उस खाने का एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना इज न्यूट्रिशन अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अगर आप सही तरीके का फूड लोगे तो आपका ब्रेन अच्छे से एक्सेलरेट करेगा अगर आप गलत तरीके का फूड लोगे तो वो डीएक्सेलरेट करेगा तो चलिए अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है बेसिकली ये वो तरीके हैं या ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं या ऑबटेन करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मैथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग तरीका है खाना ऑप्टेन करने का मेनली मोड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ टू टाइप्स ऑटोट्रॉफिक एंड हेड्रोट्रॉफिक अब ये दोनों क्या है इन्हें जरा डिटेल से समझते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब ये जो वर्ड ऑटोट्रॉफिक है इसका क्या मतलब होता है ये वर्ड निकला है दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के ऑटो दैट मीन्स सेल्फ अपने आप. आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक शब्द ऑटोमैटिक यानी कि अपने आप से हो जाने वाला या अपने आप से चल जाने वाला तो बेसिकली ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफ ट्रोफ वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक कुल मिला के क्या बना सेल्फ न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड ऑन देयर ओन कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से मेरा क्या मतलब है वो मैटर जो नेचर में सिंपली एग्जिस्ट करता है यानी कि उसको बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा दिस टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप बोला जाता है ये क्या है ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये दोनों ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं अब ऑटोट्रॉप्स ऐसा क्या करते हैं कि यह खाना अपना खुद बना सकते हैं इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल नाम का जो कि केपेबल है फॉर ट्रैपिंग सनलाइट अब सनलाइट को ट्रैप करना क्यों जरूरी है और ये कैसे काम में आता है वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फिलहाल हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हेट्रोट्रॉफिक अगेन दो वर्ड्स को मिला के बना है हेट्रोस दैट मीन्स अदर्स एंड ट्रोफ दैट मीन्स न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी प्लांट पे या एनिमल पर डिपेंड करता है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज नॉट केपेबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू सिंथिसाइज इट सोन फूड इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ईस्ट ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर ट्रोट्रॉफिक इन नेचर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स ये तीन और टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड है होलोजोरिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर डाइजेशन यानी कि फूड जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन साइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एनिमल्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक्सेट्रा सेप्रोफाइट्स organisms which feed on dead and decaying matter are known as saprophytes it includes bacteria fungi etc and parasites parasites are the organisms which are dependent on any other living organism for their food they lie in their body as host and feed themselves for example tapeworms lice etc a parasite so तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है क्या प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे ऑप्टेन करते हैं द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोस अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को चार अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके विंड प्लांट मेक इट्स ओन फूड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस अब फोटोसिंथेसिस शब्द का क्या मतलब है ये दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनाए फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट मीन्स टू बिल्ड समथिंग हैंस फोटोसिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड समथिंग बाय लाइट लाइट का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना दैट इज फोटोसिंथेसिस अब होता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं एंड प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन एज द बाई प्रोडक्ट एंड ऑल दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज सनलाइट इस प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ ग्रीन लीव्स को कंबाइन करके होता है इसके अंदर ग्रीन लीव्स एक्चुअली क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने अंदर प्रेजेंट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द फूड ऑफ प्लांट्स इज फॉर्म क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट जो ग्रीन पिगमेंट सनलाइट से एनर्जी जमा करने में मदद करता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इज एन ऑर्गेनिली प्रेजेंट इन लीव कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करने में हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है एज आई मैंशन अर्लियर सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल अभी ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है या क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का एक बार उसे डिटेल से समझते हैं एब्सॉर्बेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अब प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है जो पानी हम सॉइल में डालते हैं रूट्स वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं और बाय स्टेम वो पानी लीव्स तक पहुंचता है नाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द लीव एंड आर यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल दूसरा स्टेप क्या होता है एब्जॉर्बशन ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड फ्राम एटमोसफियर हमारे एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब की जाती है बाई लीव्स लीव्स के अंदर जो स्टोमेटल पोर्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एंड इवेंचुअली इट इज ऑल्सो यूज फॉर फोटोसिंथिस अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जमा हो गया है इसका प्लांट करता क्या है आइए देखते हैं प्लांट्स के लीफ के अंदर एक ऑर्गेनिली प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कंटेन्स क्लोरोफिल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस अब ये क्या है इसे एक बार डिटेल से समझ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनिलीज दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस विद क्लोरोफिल प्रेजेंट इन साइड होता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो लीफ के अंदर एंटर किया वो क्लोरोप्लास्ट में जाता है और इसके मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट में एंटर करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो और कंपोनेंट्स होते हैं एंड जो एम्प्टी गैप्स हैं सारे स्टैक्स के बीच में दैट इज स्ट्रोमा अब होता क्या है वॉटर गेट्स एब्जॉर्ब इन दीज ग्रेनम्स एंड स्ट्रोमा में जो खाली जगह है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस हो जाती है इसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यहां मदद आती है सनलाइट की सनलाइट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स और ये सनलाइट कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कौन ट्रैप करता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप करता है डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन अलग हो गया वाटर में से हाइड्रोजन आयन अलग हो गया नाउ दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन आर यूटिलाइज बाय प्लांट टू मेक इट्स ओन फूड वेयर एज ऑक्सीजन के जो आइटम्स हैं वो साथ में मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं एंड इवेंचुअली दे आर सेंट आउट बाई प्लांट वो प्लांट्स के स्टोमेटल पोर्स से बाहर आ जाते हैं दैट इज द रीजन ट आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर एस अब जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन वो ऑलरेडी निकल गया लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो यूटिलाइज हुआ था एंड ऑल्सो लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज यूटिलाइज टू मेक शुगर सिंपल शुगर फॉर्म दैट इज ग्लूकोज चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हमने अभी अभी समझा कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स अपना खाना कैसे ऑप्टेन करते हैं अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में कि जो जानवर हैं जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स हैंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एनिमल्स जो हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए हैंस एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड हर एक एनिमल को एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अपने फूड के लिए नाउ बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द फूड हैबिट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट टाइप्स हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स ये तीनों क्या हैं एक बार इसे समझते हैं हर्बीवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स वो सारे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं या दूसरे प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल घोट काओ बफलो एक्सेट्रा कार्निवर्स दोज एनिमल्स विच ओनली ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स फॉर एग्जाम्पल लायन टाइगर फ्रॉग एक्सेट्रा ये सारे कार्निवोर्स हैं वाई बिकॉज दे ईट अदर एनिमल्स इफ यू टॉक अबाउट ओमनिवर्स बेस्ट एग्जाम्पल इज वी द ह्यूमन बींग बियर डॉग्स क्रोज एंट्स एक्सेट्रा चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में यस yes. न्यूट्रिशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनिमल्स हर एक एनिमल के अंदर चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो चाहे वो कितना ही सिंपल हो चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप का दे डू हैव टू सर्वाइव विद न्यूट्रिशन अब ये न्यूट्रिशन क्या है इसका प्रोसेस क्या है एक बार उसके ऊपर नजर मानते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में पांच अलग अलग स्टेजेस हैं इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन असीम्युलेशन एंड इजेशन ये पांचों क्या हैं एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं इंजेशन इंजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी जब हम खाना अंदर लेते हैं अपनी बॉडी के दैट इज नोन एज इंजेशन नाउ वॉट इज डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इंटू सिंपल फॉर्म ऑफ फूड अब सिंपल फॉर्म ऑफ फूड क्या है बेसिकली वो फॉर्म जहां ये बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाए इस फूड को दैट इज नोन एज डाइजेशन एब्जॉर्ब्शन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्शन एसिम्यूलेशन एसिम्युलेन इज द प्रोसेस इन विच एब्सॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर जब ये फूड जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है हमारे बॉडी सेल्स ले लेती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं एनर्जी के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए या अपने आप को रिपेयर करने के लिए दैट इज नोन एज एसिमिलेशन इजेशन द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम आर बॉडी इज नोन एज इजेशन हर एक ऑर्गेनिज्म ये सारे प्रोसेस फॉलो करता है तब जाके न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है ल्युलर ऑर्गेनिजम्स अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है एक बार वो देखते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अपल सेल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल एज इट इज मैं ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं तो इसके अंदर सारे प्रोसेसिस इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन आर कैरेट बाय दट इंडिविजुअल सेल एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम वुड बी अमीबा एंड पैरामिशियम न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले अमीबा के बारे में कुछ जानकारी पाते हैं अमीबा इज असेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक होलोजोइक मतलब ये अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है कंप्लीटली एंड देन प्रोसेस इट और एब्सॉर्ब इट द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस बिकॉज इट इज अल्युलर ऑर्गेनिज्म तो सारी फीडिंग उस सेल को की जाती है फेगोसाइटोसिस बेसिकली मींस सेल फीडिंग ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा अमीबा के अंदर ये जो सिंगल सेल है सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेसिस ही परफॉर्म करता है फिर चाहे वो इंजेशन हो डाइजेशन हो एब्सॉर्बेशन हो एसिम्यूलेशन हो या इजेशन तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले यूनि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं देखिए जो यूनि वर्ड है इसको दो शब्दों को मिला के बनाया गया है यूनी मतलब वन एंड सेलुलर मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनि ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब जाहिर सी बात है जब ऐसे ऑर्गेनिजम सिर्फ एक सेल से बने हैं तो इनके अंदर सारे फंक्शंस वो एक सेल परफॉर्म करता है ल्युलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है अमीबा एंड पैरामीशियम सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे किया जाता है तो चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले समझते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं यूनिसेल्युलर ये जो वर्ड है ये दो शब्दों को मिला के बना है दैट इज यूनि एंड सेल्युलर यूनि का मतलब होता है वन एंड सेल्यूलर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक तरीके के सेल से बने हुए होते हैं या सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है दे आर ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अब ऑब्वियस बात है कि अगर एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज़म्स बने हैं तो इनके अंदर सारे फंक्शन वो एक सेल ही परफॉर्म करता है एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डन बाय दैट सिंगल सेल अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स अब इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले अमीबा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है अब होलोजोइक मतलब क्या कि जो फूड है वो इसके अंदर कंप्लीटली जाता है एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस नाउ व्हाट इज फेगोसाइटोसिस दैट इज सेल्फ फीडिंग यानी कि जब सेल अपना खाना अपने आप को फीड करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस नाउ सिंस इट इज एल्यूलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन जो है न्यूट्रिशन के यही परफॉर्म करता है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमिलेशन एंड डिजेशन ऑल ऑफ दीज फंक्शन हैपन इन दिस सिंगल सेल इंजेशन अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस जैसे कि माउथ नहीं अपना खाना टेक इन करने के लिए या इंजेशन करने के लिए दैट्स इट गेट्स इट्स फूड इंजेस्टेड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड इट कॉल्ड सीडोपोडिया नाउ द फूड वैक्यूल इज इन विद द लिटल सराउंडिंग टू फॉर्म वैक्यूल इन साइड अमीबा अब होता क्या है जैसे ही ये फूड इनगल्फ कर लिया जाता है यानी कि निगल लिया जाता है तो इसके आसपास में एक बाउंड्री एक सराउंडिंग बन जाती है इनसाइड अमीबा एंड द फूड वैक्यूल इज फूडर्ड टू बी द टेम्पर स्टमक ऑफ अमीबा जो अमीबा के अंदर ये जो फूड वैक्यूल बनता है ये उसका टेम्पररी स्टमक रहता है खाना इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अमीबा के अंदर जा चुका है अब क्या होता है जो फूड वैक्यूल उस मेटीरियल के आसपास में बनता है दैट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं द्रो ब्रेक डाउन दैट फूड पार्टिकल इन टू सिंपलर सब्सटेंस ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है एबजॉर्ब नाउ दैट डाइजेस्टेड फूड दैट इज प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म कैसे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अब ऐसा हो जाने के बाद जैसे ही पूरा फूड जो है वो फूड वैक्योल से चला जाता है एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म फूड डिसअपियर्स फूड वैक्योल का काम खत्म अब अब फूड गायब हो जाता है तो अब ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिय का अमीबा क्या करता है अमीबा यूटिलाईज दिस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो इसका इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे इट मेक्स द फर्दर पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ अमीबा अमीबा डू रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट तो ये डिवीजन के टाइम पे काम आता है नाउ इजेशन अमीबा डज नॉट हैव एनी डेव प्लेस टू रिमूव इट्स वेस्ट इधर ना उसके लिए फूड इनटेक के लिए कोई फिक्स प्लेस है ना फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए फिक्स प्लेस है अब क्या करता है अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को किसी एक जगह से ओपन करता है दैट लीड्स टू Throwing out of undigested food. This is the complete process. Food enters into amoeba by ingestion, and amoeba digests it by forming food vacuole. After it, uh, the food is absorbed by cytoplasm and the vacuole disappears. And at the end, egestion, when food waste particles are removed out of the body of amoeba. न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम पैरामीशियम क्या है पैरामीशियम इज असेलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन वॉटर उसके आसपास में चारों तरफ इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सीलिया सीलिया इवेंचुअली हेल्प इट आउट टू गेट फूड कैसे सीलिया स्वीप द फूड फ्रॉम वॉटर एंड पुट इट इन द माउथ ऑफ पैरामीशियम इतना हो जाने के बाद ये सारा प्रोसेस यानी कि इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन शन एंड डिजेशन बिल्कुल अमीबा की तरह होता है जस्ट द सेम वे इट वॉज डन इन अमीबा अब हमने बात कर चुके हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन की अब हम बात करने वाले हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स ग्रास हॉपर फिश एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कुछ इस तरीके से होता है बाय डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन दे आर कंबाइंड विद डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट परफॉर्म डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन फॉर दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब इन कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है नाउ लेट स्टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींगस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनका कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम है अब कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारे अंदर माउथ ईसोफेगस दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे कैरी आउट होता है एक बार इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन इंजेशन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है वी कॉल इट माउथ द फूड इज इन टू द माउथ विद आर हैंड्स डाइजेशन नाउ डाइजेशन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर फूड नाउ हाउ इट इज डन लेट्स ही हो जाती है डाइजेशन स्टार्ट्स एज सून एज फूड एंटर माउथ जैसे ही खाना हमारे अंदर हमारे माउथ के थ्रू एंटर करता है डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ के अंदर तीन चीजें हैं टीथ टंग एंड सलाइवी क्लैंड ये तीनों चीजें कुल मिला के क्या बनती है हमारी बकल कैविटी बनती है इसे हम फूड कैविटी भी बोलते हैं अब ये बकल कैविटी के क्या फंक्शन हैं लेट्स गेट इट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला रोल होता है टीथ का टीथ कट द फूड इन टू स्मॉल पीसेस बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इट टीथ क्या करते हैं हमारे खाने को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं या डिवाइड कर देते हैं बाय च्यूइंग एंड बाय ग्राइंडिंग दिस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन नाउ व्हाट रोल डज टंग प्ले टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग अप द फूड विद सेलाइवा टंग जो है वो फूड को सेलाइवा से मिक्स करने का काम करता है सेलाइवा सेलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सेलाइवा विच वेट्स द फूड दैट वी ईट सो दैट इट कुड बी स्वेलोड इजिली सेलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं सेलाइवा एक तरीके का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो कि खाने को ईजीली स्वेलो कर पाने के लिए निगलने के लिए हमें आसान बनाता है दिस इज़ केमिकल डाइजेशन। नाउ ह्यूमन सेलाइवा में ऐसा क्या होता है ह्यूमन सेलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर नोन एज सेलाइवरी अमाइलिस सेलाइवरी अमाइलिस क्या करता है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है अब ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें सिंपलर फॉर्म यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है बाय एंजाइम्स आर एज सेलाइवरी अमाइलिस अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑर्गन की फूड पाइप खाना हमारे मुंह से होते हुए हमारे माउथ से होते हुए फूड पाइप के अंदर जाता है फूड इज स्वेलोड बाय द टंग एंड मूव टू स्टमक थ्रू फूड पाइप तो बेसिकली फूड पाइप क्या है इट इज अ कनेक्शन बिटवीन आर माउथ एंड आर स्टमक द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड जो वॉल है जो फूड पाइप की उसके जो मसल्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एंड दे कैन एक्सपेंड एज वेल नाउ इस तरीके के मूवमेंट को यानी वेन द फूड एंटर्स इन दिसोफेगस इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट वेन इट अब ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं वॉट इज स्टमक स्टमक इज अप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एबडोम हमारे एबडोमिन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारा स्टमक अब स्टमक का क्या रोल है डाइजेस्ट में ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है यानी कि माउथ के अंदर ये फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होता है फिर वो ईसो के थ्रू मूव करके स्टमक में जाता है ताकि वो कंप्लीटली पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए ये कैसे किया जाता है द फूड ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर ऑलमोस्ट थ्री फूड को और छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा तैयार कर दिया जाता है वॉल के ऊपर ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं जो की गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं नाउ वॉट आर दीज गैस्ट्रिक जूसेस लेट्स फाइंड आउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैस्ट्रिक जूसेस आर गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस आर लिक्विड्स सेक्रेटेड फ्रॉम जूसरेटेड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक हमारे स्टमक की जो वॉल है उसके ऊपर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं और उन ग्लैंड के अंदर से ये लिक्विड सेकरेट होते हैं दैट आर नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस नाउ गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन थ्री डिफरेंट सबस्टेंसेज इनके अंदर तीन अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा पेप्सिन एंड तीसरा म्यूकस अब ये तीनों चीजें क्या हैं और इनका क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर वो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक मेक्स मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकोरेट होता है जो कि इन गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बनाता है अब इस एसिड का क्या रोल है इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बिकॉज ऑफ पेप्सिन यस पैप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में मदद करता है और पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जबकि उसे एक एसिडिक मीडियम मिले यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इट किल्स बैक्टीरिया दैट मे एंटर आर फूड जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हो सकता है कभी ना कभी कोई बैक्टीरियाज हो वो बैक्टीरियाज को मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है अब हम बात करते हैं पेप्सिन की पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन अर फूड इनटू सिंपल प्रोटीन पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ओनली टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम्स दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस पेप्सिन करता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम्स में कैरी आउट होता है दैट इज वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज इट्स इंपॉर्टेंस अब सवाल यह है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड है तो क्या इसके चांसेस नहीं है कि वो हमारा खुद का स्टमक ही खराब कर दे? यस yes. अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है म्यूकस हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है दैट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर काफी हद तक फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हुए नाउ दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है इट इज अबाउट 6.5 पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंस ऐसे भी है क्योंकि ये वो जगह है जहां पे पूरी तरीके से चीजें डाइजेस्ट होती हैं इट इज द प्लेस इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय हमें मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक्चुअली हमें कहां से मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से बिकॉज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस हेयर कैसे आइए देखते हैं नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव दिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड दो ऐसे ग्लैंड है जहां से एक लिक्विड सेक्रेट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है दे आर लिवर एंड पैंक्रिया लिवर्स सेक्रेट बाइल नाउ वॉट इज बाइल बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड दैट इज मेड इन लिवर बट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर ये एक ऐसा लिक्विड है जो बनता तो लिवर के अंदर है लेकिन इसे स्टोर कहां किया जाता है इसे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है नाउ बाइल हैज सॉल्ट इट कंटेन्स सॉल्ट विच हेल्प्स इट टू ब्रेक डाउन द फैट्स और लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन आर फूड हमारे खाने में जो भी फैट्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल का इस्तेमाल किया जाता है इफ वी टॉक अबाउट पेनक्रियाज पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूसेज विच कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम लाइक अमाइलिस ट्रिप्सिन एंड लाइपेस पेनक्रियाज के अंदर ये तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन तीनों का अपना एक अलग फंक्शन है Amylase जो है ये स्टार्च को यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करता है ट्रिप्सिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एंड लाइपेस एमल्सिफाइड फैट को यानी कि अभी भी जो फैट डाइजेस्ट होने में रह जाता है उसे लाइपेस जो है वो इमल्सिफाई करता है या ब्रेक डाउन करता है इतना ही नहीं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी कुछ लिक्विड्स कुछ जूसेस जो हैं वो सेक्रेट होते हैं दे आर नोन एज इंटेस्टाइनल जूसेस नाउ इंटेस्टाइनल जूसेस कंटेन्स एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेस्टाइनल जूसेस ग्लूकोज में बदलते हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में इसी के साथ हमारा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है अब बात आती है एबजॉर्बेशन की डाइजेशन के अंदर हमने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने पास रख लिया है जिन जिनकी हमें ज़रूरत है अब इन न्यूट्रिएंट्स को इस फूड को एब्ज़ॉर्ब कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रियट्स गो इन टू द ब्लड फ्रॉम कैपेलरीज हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स के ऊपर कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि एब्जॉर्बेशन का काम करती हैं दीज कैपिलरीज एब्जॉर्ब द न्यूट्रिय फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर दैम इन टू ब्लड इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विली नाम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं अब ये ब्लड वेसल्स में या कैपिलरीज में ये खाना पहुंचाने का काम हमारे लिए विली ही करती है डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इन टू आर ब्लड अब ये एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिय को एसिमिलेट कैसे करना है हमारे बॉडी के यूज में कैसे लाना है उसके बारे में बात करते हैं ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द दार्ट ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ सेल्स हमारा जो ब्लड है वो इन न्यूट्रिय का 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 काम करता है वो इन न्यूट्रिय हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाता है अब ये सेल्स इन इनको यूटिलाइज करती हैं फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ आर बॉडी एंड टू रिपेयर ऑफ आर बॉडी इफ नीडेड एसिम्यूलेटेड फूड इज यूज बाई बॉडी सेल्स फॉर ऑपटे ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी नाउ एनर्जी रिलीज इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिम्यूलेटेड फूड असिम्युलेटेड फूड के अंदर ऑक्सीजन एड करके इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है अब ये ऑक्सीजन कैसे एड होती है ये बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नाउ अगला ऑर्गन हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से फूड जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां जाता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रोसेस ऑफ आर न्यूट्रिशन दैट इज इजेशन अब ये कैसे होता है पार्ट ऑफ फूड विच नॉट बी डाइजेस्टेड बाई लार्ज इंटेस्टाइन वो हिस्सा हमारे फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है नाउ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वॉटर इन इट विद देल्प ऑफ विली जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उससे मोस्ट ऑफ द वॉटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड जो अनवॉन्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड है दैट रिमेन्स इन द सॉलिड फॉर्म विच इज स्टोर्ड इन रेक्टम अब रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होता है

मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे अगले लाइफ प्रोसेस की रेस्पिरेशन अब रेस्पिरेशन क्या है आइए समझते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन टू द सेल्स एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम आर बॉडी अब सुनने में ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन लेट मी सिंप्लीफाइड फॉर यू रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल सी चीज ये है कि ऑक्सीजन टेक इन करो एयर से हवा से जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे अंदर लो और उसे ब्रेक डाउन करो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अब ये एनर्जी कहां जाएगी ब्लड के साथ मिक्स होकर सेल्स के अंदर जाएगी और ये सेल्स जो हैं वो और फंक्शंस परफॉर्म करेंगे लाइक like एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आर बॉडी अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं तो एक बार इस टॉपिक को समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है वॉट इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज द मैकेनिज्म बाई विच ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम एयर एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सी चीज है ऑक्सीजन को इनहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना इनहेल मतलब अंदर लेना टू टेक इन एंड एक्सेल मतलब बाहर छोड़ना टू एक्सिट या टू थ्रो आउट दिस मैकेजम इज नोन एज ब्रीदिंग सिंपल सी चीज सांस लेना सांस छोड़ना इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज अरोप्ट अब ये मैं क्यों कह रहा हूं एक बार रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग यस ऑफ ब्रीदिंग एंड कन्वर्टिंग एयर वी ब्रीद इन फॉर्म ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन से हम एयर को जिस जो हमने ब्रीद की है उसे एनर्जी के फॉर्म में बदल रहे हैं इट इज अयो केमिकल प्रोसेस नो वॉट इज अकेमिकल प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री या थोड़े बहुत केमिकल्स का लेन देन इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग जैसा नैरोप्ट नहीं है क्यों बिकॉज ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन यह समझ में आ रहा होगा ब्रीदिंग क्या है सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना उतना काम हो गया ब्रीदिंग है रेस्पिरेशन जो सांस हमने अंदर ली उसको ब्रेक डाउन करना उसको एनर्जी के फॉर्म में बदलना और उस एनर्जी को अपने बॉडी फंक्शन के लिए यूटिलाइज करना दैट इज रेस्पिरेशन आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो ये रेस्पिरेशन जो है ये दो तरीके से की जा सकती है एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन अब ये क्या है इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूं एक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के साथ की जाएगी दूसरी जो ऑक्सीजन के बिना की जाएगी ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कैसे पॉसिबल है सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब इसका नाम एरोबिक ही क्यों बिकॉज एरोबिक वर्ड का मतलब होता है एयर यानी कि इस तरीके के रेस्पिरेशन में एयर के अंदर से ऑक्सीजन ली जाएगी और उसे यूटिलाइज किया जाएगा अपने काम के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोस जो कि हमारा फूड है दैट इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन गेट स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर कर दिए जाते हैं अब ये एटीपी क्या है अगर आपने क्लास नाइन्थ में सेल चैप्टर पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है ए टी पी ट्राइफॉस्फेट ये वही है बेसिकली हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी अब हम लोग बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपस में क्या लेना देना है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या लेना देना है क्लियर लुक ऑन बोथ दल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वॉटर एंड सनलाइट क्या बना रही है ग्लूकोज बना रही है एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रही है एज अ बाई प्रोडक्ट अब इसका उल्टा रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जी ग्लूकोज अलोंग विद ऑक्सीजन जो है वो बर्न आउट हो रहा है और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हो रही है एनर्जी फर्क सिर्फ इतना है कि फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी थी दैट वाज लाइट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सनलाइट यहां पे जो एनर्जी है दैट इज एटीपी जो कि बेसिक यूनिट है एनर्जी का हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अब हम लोग बात करते हैं अनरोबिक रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन क्या होती है वो रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजन के बिना किया जाता है अब ये कितनी तरह की होती है इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये क्या है एक बार इनके बारे में बात करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ कॉम्पलेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच यीस्ट कन्वर्ट्स शुगर टू इथेनॉल दैट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर यीस्ट जो है वो शुगर को एल्कोहल में बदलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इसका केमिकल रिएक्शन glucose with the help of yeast is converted into ethanol and carbon dioxide lactic acid fermentation kya hota hai? it is a metabolic process metabolic matlab it has related to metabolism of our body in which glucose and other sugars are converted into cellular energy and metabolite lactate what is lactic acid in the solution generally हमारे मसल सेल्स जब एक्सेस यूज में आते हैं तो वो एक्सेस ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया जाता है चाहे आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चाहे वो रनिंग हो एक्सेस वॉकिंग हो मैराथन हो या आप कोई भी ऐसा स्पॉर्ट खेल रहे हैं जिसमें आपके मसल्स का बहुत ज्यादा यूज आ रहा है तो बेसिकली उस दौरान आपके बॉडी में जब एनर्जी की कमी होती है ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई के कारण तब हमारे सेल्स के अंदर से जो ऑक्सीजन निकालने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने अभी दो तरीके के अनैरोबिक रेस्पिरेशन की बात की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अब ये दोनों क्या हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए तो इसे एक डिफ्रेंसिएशन के तौर पे समझते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमेशा एनिमल्स के अंदर होती है वेयर एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन प्लांट्स एंड फंगाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है जब हम अपने मसल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं वेन वी वर्कआउट फॉर टू लॉन्ग बीट रनिंग और जॉगिंग और साइकिलिंग फॉर टू लॉन्ग ये सारे एक्टिविटीज के कारण लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है क्यों क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेड बनाने का या बियर बनाने का जो प्रोसेस है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वी नीड एटीपी वाई बिकॉज मसल्स कांट गेट इनाफ ऑक्सीजन अब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें कोई ना कोई दूसरा सोर्स तो एनर्जी का चाहिए एटीपी इज दैट सोर्स जो हम लोग लेते हैं एंड हेयर यीस्ट इज कन्वर्टेड इन टू ब्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ सीओ टू सीओ टू इज द बाय प्रोडक्ट दैट इज रिलीज इन दिस रिएक्शन होता क्या है यहां पाइवरेट बिकम्स लैक्टिक एसिड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड पाइवरेट बिकम्स इथाइल एल्कोहॉल एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज द बाय प्रोडक्ट अब एक बेसिक डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं एरोबिक एंड रेस्पिरेशन का भी एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन वेयर एज अन रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाजम ऑफ द सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है साइटोप्लाजम के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एटीपी ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ए एंड इट प्रोड्यूसेस लेस एज एरोबिक रेस्पिरेशन यूजेज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ता है वेयर एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है जब एक दो मिनट आप एक्सरसाइज करते हो पहले एक दो मिनट ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आपको अनैरोबिक रेस्पिरेशन एक्सपीरियंस करने को मिलता है नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमारे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्लांट्स के अंदर क्या रेस्पिरेशन होता भी है या नहीं बिकॉज रेस्पिरेशन क्या है ऑक्सीजन को इनहेल करना इनटेक करना एंड एनर्जी बनाना तो क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अगर करते हैं तो उसका करते क्या है उसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं लेकिन करते क्या है उस एनर्जी का वॉट आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स गेट देयर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स ऑल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन क्यों करना होता है प्लांट्स को प्लांट्स अपनी एनर्जी बनाते हैं इस प्रोसेस से और एज यूजुअल इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से चीजों को मूव करना लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे है ना डिफ्यूजन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट विद एज मच एज ऑक्सीजन दे नीड डिफ्यूजन का प्रोसेस ही क्यों क्योंकि इस प्रोसेस से प्लांट्स के सेल्स को जितनी ऑक्सीजन होने चाहिए उतनी मिल सकती है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए यह रूट के अंदर भी होता है स्टेम के अंदर भी होता है लीव्स के अंदर भी होता है लेकिन सबके अंदर यह इंडिविजुअली परफॉर्म किया जाता है वहीं अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन एनिमल्स के पास सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है पूरा अलग अलग ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है अमाउंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज लिटल प्लांट्स के अंदर जो गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है वो बहुत कम वेरी लिटल अमाउंट में की जाती है वहीं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर जो uh, गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए की जाती है तो ज्यादा गैसेस होती हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो रेस्पिरेशन का जो रेट है प्लांट्स के अंदर बहुत स्लो होता है वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हाई होता है रेस्पिरेशन इन रूट्स हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर तीन ऐसे ऑर्गन है जहां पे रेस्पिरेशन किया जाता है रूट्स स्टेम एंड लीव्स अब तीनों में कैसे किया जाता है वो देखते हैं रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द स्पेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स ऑक्सीजन जो एयर है वो सॉयल पार्टिकल्स के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं वहां से एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स इज रिलीज एनर्जी इन विच इज लेटर यूटिलाइज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट जो मिनरल्स और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन बाद में यूटिलाइज की जाती है रेस्पिरेशन इन स्टेम अब स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे किया जाता है केस ऑफ स्टेम द एयर गेट्स डिफ्यूज इन स्टोमेटा एंड पासिस थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल फॉर रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ये जो एयर है यह एंटर करता है और बाद में इसको यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में फॉर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस Is diffused through well. जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जनरेट होता है उसे भी इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज किया जाता है इन वुडी प्लांट्स द गैशियस एक्सचेंज इज कैरिड आउट बाई लेंटिकल जो वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें जो स्टेम है वो वुड का बना हुआ होता है उनके अंदर ये जो एक्सचेंज है ये लेंटिकल्स के द्वारा की जाती है लेंटिकल्स इज अगेन स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द वुडी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूज इन द सेल

डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा के अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अब स्टोमेटा के अंदर कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं एज यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमोस्फियर एंड लीव्स नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जितने अलग तरीके के हमारे पास एनिमल्स हैं उतने ही अलग तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं सबसे पहले अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं आइए देखते हैं इन अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ कैसेज डिफ्यूजन होता है तब अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन पूरा होता है यानी कि ऑक्सीजन का इनटे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना दोनों वाया सेल मेंज स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन करने के लिए लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्मिक्स अर्थफोम की अगर बात करें तो अर्थफोम लिव इन दॉइल वो सॉइल के अंदर रहते हैं यानी कि हमारे अर्थ सर्फेस के अंडर रहते हैं यूज निकिन टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी स्किन को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए सो so, टरी ऑर्गन इन अर्थ वो इज दिन अगर हम बात करें एक तो like चीज में मदद करते हैं वॉटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर कॉकरोच हाउसफ्लाई इनके अंदर टाइनी होल्स या स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं तो इन ट्यूब्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो बाहर जाती है सो बेसिकली द स्पेकल्स एंड ट्रेकाइड्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें जैसे मैन यानी कि ह्यूमन बींग जैसे बर्ड्स लिजर्ड डॉग्स फ्रॉग इन सब के अंदर लंग्स प्रेजेंट होती है नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए इट इज बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स

एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को दिस प्रोसेस दिस एक्सचेंज ऑफ कैसेज इज ये सबसे पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का क्यों क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है अब आगे हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट अस टू ब्रीथ ये वो सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं जो बेसिकली हमें सांस लेने में मदद करते हैं लंग्स इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे बड़ा और सबसे अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है लंग्स का लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है अदर मेन पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड एयर पैसेजेस ब्लड वेसल्स मसल्स दैट फैसिलिटेट ब्रीदिंग एज वेल बाकी के जो हैं वो और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि हैं एयर पैसेजेस, ब्लड वेसल्स मसल्स मसलरा सबसे पहले बात करते हैं नोज की हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है जब एयर हमारे अंदर जाती है बाय नोज द नोज प्रोजेस अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नोस्ट्रल्स विच आर डिवाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज हमारे नोज के अंदर दो एक्सटीरियर नोस्ट्रिल्स हैं, जो कि उनके बीच एक बहुत थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज से डिवाइडेड है यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई है दिस लेयर ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज सेप्टम और हमारे नोज के अंदर टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फोलिकल्स बोलते हैं ये हेयर्स का बेसिकली काम क्या होता है बाहर से आने वाले कीटाणु या पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करना हमारी इंटरनल बॉडी को और हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मदद करने के लिए एडिशनल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर नोस्ट्रिल्स से होते हुए हमारी जो एयर है वो जाती है लरिंग्स के अंदर लरिंग्स क्या है लरिंग्स आर सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग फेरेंग्स एंड ट्रेकिया जहाँ पे ट्रेकिया और फेरेंग्स आपस में जुड़ते हैं लेरेंगस वहीं मौजूद होता है इट इज़ टर्म्ड एज एडम्जैप्पल और वॉइस बॉक्स हम इसे एडम्स एडमजेपल के नाम से भी जानते हैं और वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं दिस इज दोर्सन विच इज रिजन अप ये वो वाला पोर्शन है जो हल्का सा ऊपर उठा हुआ होता है जब हम खाना निगलते हैं तब ये जनरली राइज होता है इट जनरेट्स साउंड एज एयर पासिस थ्रू द हॉलो इन द मिडल जैसे ही हमारे नोज के अंदर एयर पास होती है इसके अंदर बहुत हल्की सी साउंड हमें सुनाई देती है फेरिंग्स ये जो एयर है लरिंग्स से होते हुए हमारे फेरिंग्स के अंदर जाती है फेरिंग्स क्या है द नेजल चैंबर्स ओपन अप इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस टर्मड एज फेरिंग्स ये हमारे नेजल चैंबर के अंदर एक बहुत वाइड और हॉलो स्पेस है इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर हमारा खाना भी इसी रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारा फूड भी इसी रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर जाता है एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व्ज एज स्विच बिटवीन लेरेंगस एंड ईसोफेगस जो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो एक बहुत हल्का सा बहुत माइनर सा स्विच है जो कि लेरेंगस और ईसोफेगस के अंदर से उन्हें दोनों को अलग करता है बेसिकली एपिग्लॉटिस एयर है इसको लंग्स के अंदर भेजना है एंड फूड है इसको इंटेस्टाइन के अंदर भेजना है तो अब फेरिंग्स से होती हुई हमारी जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया के अंदर ट्रेकिया जैसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं इसकी शुरुआत होती है हमारे नेक के निचले हिस्से से इसे जनरली सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स के साथ कवर किया जाता है इसकी हार्डनेस और स्टिफनेस बनाए रखने के लिए नाउ ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स और स्प्लिट्स द एयर पार्टिकल्स इनटू टू ब्रोंकाइस वन फॉर ईच लंग अब जैसा कि हमने डिस्कस किया ट्रेकिया स्प्लिट्स इट इनटू टू ट्यूब्स टर्म डेज ब्रोंकाई विच एंटर्स ईच लंग इंडिविजुअली अब ये ब्रोंकाइज़ जो है ये आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू तो सेकेंडरी एंड टर्शरी हम स्मॉल एयर सैक्स विच आर प्रेजेंट थिन वॉल्स इनके अंदर जनरली क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन अंदर एंटर करते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं लंग्स लंग्स आर द चीफ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां रेस्पिरेशन किया जाता है दैट इज लंग्स दे आर लोकेटेड इन द थायरॉयड कैविटी ऑफ द चेस्ट नियर बैकबोन हमारे बैकबोन के पास में थारॉय कैविटी के पास ये चेस्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं हार्ट ये दो पेयर के अंदर होते हैं यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बाय द ब्राउनकाइल ट्यूब एंड इन दम डायफ्रागम डायफ्रागम जो है वह बहुत प्राइमरी मसल है दैट इज यूज इन रेस्पिशन अब यह कहां होता है इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो लंग्स एंड हार्ट यह क्या करता है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है एक रिदमिक बेसिस पे जैसे ही हम एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं डायफ्रागम भी साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है दिस क्रिएट्स द वैक्यूम इफेक्ट टू पुल द एयर आउट ऑफ आर लंग्स नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो डायफ्रागम जो है जब हमारी बॉडी इरिटेटेड फील कर रही होती है अंदर से बी इट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और यूरिन तो एक एब्डोमिनल एबडोमिनल प्रेशर प्रोवाइड करता है टू रिलीज दैट वेट वेस्ट आउट ऑफ आर बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि वो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि कंबाइंड हैं या इन्वॉल्व हैं इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर दे आर नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज लेरिंगस फेरेंस ट्रेकिया ट्यूब्स, लंग्स एंड डायफ्रागम ये कुल मिला के सारे ऑर्गन हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट ये क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट इज द पर्सन रेट ऑफ नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट एक इंडिविजुअल कितनी बार सांस ले रहा है एक मिनट के अंदर ट इज नोन एज रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एन एडल्ट इज फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी ब्रेथ पर मिनट अगर कोई इंडिविजुअल बारह से पच्चीस तक जा रहा है ब्रेथ पर मिनट वाइल्ड रेस्टिंग अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो बात अलग है लेकिन वाइल्ड रेस्टिंग अगर ये हो रहा है तो दैट इज द कंडीशन ऑफ एब नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग तो अब तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन किसी भी इंडिविजुअल में कैसे किया जाता है रेस्पिरेशन किसी भी इंडिविजुअल में कैसे किया जाता है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन की ये कैसे किया जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच इजेंशियल सबस्टेंसेज आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जरूरी चीज दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है ट्रांसपोर्ट की जाती है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन अब इसके अंदर सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स आ जाते हैं जो कि इजेंशियल सब्सटेंसेस को हर इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाने में मदद करते हैं आर दीज इजेंशियल सबस्टेंसेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ऑक्सीजन एंड वाटर ये तीन बहुत जरूरी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी इन्हें इनकी सोर्स जहां पे ये बनता है वहां से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अब प्लांट्स के अंदर ये कैसे किया जाता है एक बार इसके बारे में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स रूट्स से अलग अलग पार्ट्स के अंदर वॉटर और मिनरल्स को पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर एक बहुत जरूरी प्रोसेस है बिकॉज प्लांट्स के अंदर अगर उन्हें सर्वाइव करवाना है तो उन्हें टाइम टू टाइम न्यूट्रिय और वाटर सप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम रूट्स एंड फ्रॉम लीव्स अब लीव्स से पूरे प्लांट के अंदर मिनरल्स को पहुंचाना फूड को पहुंचाना वहीं रूट के अंदर से सारे प्लांट के अंदर वॉटर को पहुंचाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये चीजें कौन करता है प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वेस्क्यूलर टिश्यूज का जायलम एंड फ्लोएम का अब ये दोनों टिश्यूज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ वॉटर एंड फूड फॉर प्लांट्स जाइलम एंड फ्लोएम इज द वेस्क्यूलर टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर एज फ्लोयम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज़ाइलम की ज़ाइलम एक ऐसा वेस्क्यूलर टिश्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर अब जाहिर सी बात है वाटर एक लिक्विड है तो इस ज़ाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो ज़ाइलम इज़ अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टेम ये ऐसे नॉन लिविंग ट्यूब्स हैं जो रूट से शुरू होते हैं और लीफ तक खत्म होते हैं और इनका चैनल क्या होता है थ्रू स्टेम वॉटर इज रूट हेयर एंड अंडर द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वॉटर जो है ये रूट के हेयर से होता है और सेल से सेल में मूव करता है द वॉटर इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू दैसल टू लीव एंड इज इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन वॉटर जो है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव्स में जाता है और जो वाटर यूटिलाइज करना होता है वो यूटिलाइज किया जाता है एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसे हम एक्सक्रीशन जब हम करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम इज अकाउंटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जाइलम की क्या जिम्मेदारी है कि सारे पार्ट्स को प्लांट के वाटर ट्रांसपोर्ट करना फ्लोयम फ्लोयम एक ऐसा लिविंग सेल है जो एंड टू एंड जोड़ा हुआ है xylem की तरह ना होके फ्लोयम के अंदर डिटेल में इसे पढ़ा हो तो जिन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है दैट आर कंसिडर्ड लिविंग सेल्स और जिनके अंदर नहीं होता है दे आर डेड सेल्स फ्लोयम ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिशन अप एंड डाउन द प्लांट्स अनलाइक जाइलम जाइलम का मूवमेंट क्या होता है सिर्फ अपवर्ड होता है रूट से लीव्स तक लेकिन इसका मूवमेंट अपवर्ड भी है एंड डाउनवर्ड भी है फूड और न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सप्लाई करना अब ऐसा क्यों क्योंकि रूट्स से जो मिनरल्स चाहिए उनको लीव्स तक ले जाना और लीव्स से पूरे प्लांट में फैलाना दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दिस हैपन्स वेयर द सब्सटेंसेज आर मेड दैट इज द सोर्स जहां पर वो सब्सटेंस बन रहे हैं वो खाना बन रहा है जैसे कि लीव्स एंड वेयर दे आर स्टोर्ड और इन्हें कहाँ स्टोर करके रखा जा रहा है ट्रेकाइड्स आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते उनके अंदर वाटर को कंडक्ट करने के टिश्यूज ट्रेकाइड्स ही हैं ट्रेकाइड्स आर द डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स विद नो ओपन एंड्स ये डेड सेल्स हैं जिनके अंदर कोई भी लिग्निफाइड वॉल्स नहीं होती और ये दोनों तरफ से कोई भी ओपन एंड नहीं होता दे आर लॉन्ग एंड दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स बेसिकली ये जाइलम का सब्सटीट्यूट के तौर पे काम करते हैं इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दे हैव पिट्स इन देम दैट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन ट्रेकाइड टू अनदर एक ट्रेकाइड से दूसरे ट्रेकाइड के अंदर फ्लो कैसे होता है वॉटर थ्रू पिट्स जो उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं that अलाउ them टू ट्रांसपोर्ट द water ट्रांसपोर्टेशन इन humans अब तक हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्पलेक्स मशीन रिक्वायरिंग मैनी प्रोसेस टू फंक्शन एफिशियंटली हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्पलेक्स मशीन की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो काम कर रहे हैं और उन सारे फंक्शंस का एफिशिएंटली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है नाउ टू कीप दीज क्रूशियल प्रोसेस गोइंग इन्हें कुछ की एलिमेंट्स कुछ वाइटल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है अब जाहिर सी बात है, ये सारे वाइटल कंपोनेंट्स एक जगह पे तो बनते नहीं है ना एक जगह पे इस्तेमाल होते हैं दे आर मेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस बट दे आर नीडेड ऑल ओवर द बॉडी और इन्हें पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इस सिस्टम को बेसिकली बोला जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली सिस्टम दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इजेंशियल न्यूट्रिय एंड मिनरल्स थ्रू आउट द बॉडी पूरे इजेंशियल इनग्रीडियंट्स को न्यूट्रिय मिनरल्स को, को बॉडी के अंदर मूव करना इतना ही नहीं बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन इन ह्यूमन अब ये कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लेट्स फाइंड आउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं इट इंक्लूड्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज एंड अ हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी हार्ट का यहाँ पे बहुत क्रूशल रोल है बिकॉज हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड एंड ब्लड इसीलिए इसेंशियल है क्योंकि यही सारे न्यूट्रिय मिनरल्स और हार्मोन्स को पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट करता है नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिक्स फ्रॉम द सेल्स एंड प्योरिफाइड टिश्यूज ये हमारे सेल्स के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी काम करता है ऑर्गन ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम में चार मेन ऑर्गन है हार्ट ब्लड और हमारे ब्लड वेसल्स नाउ all these organs are very vital in proper functioning of our body. हमारे body के अच्छे से function करने के लिए इन organs का to the point होना बहुत जरूरी है अब एक एक करके इन्हें discuss करते हैं Blood, blood is the body's fluid connective tissue. ये वो fluid है जो हमारे tissues को आपस में जोड़ता है सबसे important पार्ट जो है ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का इट्स मेन फंक्शन इज टू सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स एंड अदर इजेंशियल कंपोनेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन्हें सर्क्यूलेट करने का काम ब्लड करता है अब ब्लड जो है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स अब ये चारों चीजें क्या हैं? इनके बारे में बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जैसा कि हमने मेंशन किया ब्लड जो है वो बना है आरबीसीज रेड ब्लड सेल से प्लेटलेट्स डब्ल्यू बी व्हाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा से नाउ टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आर ब्लड इट मेक्स अप मोर देन हाफ अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ साइड में बनी हुई इमेज को ध्यान से देखें तो दिस इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूक्ड ब्लड इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया है इसके अंदर जो येलोइश लिक्विड है दैट इज प्लाज्मा इट इज नियरली अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ आर ब्लड इट इज लाइट येलो लिक्विड विच कैरी वॉटर सोल्ट एंड एंजाइम्स विद इट मेन रोल ऑफ प्लाज्मा इज टू टेक न्यूट्रियट्स हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी अब क्योंकि ये फ्लूइड है तो यह ब्लड के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रोटीन्स और न्यूट्रियट्स प्रेजेंट है उन्हें मूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है सेकेंडरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑल दीज इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इंपॉर्टेंट न्यूट्रियट्स

ये सर्कुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ऐसी डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता अब इसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जैसे कि हम हिमोग्लोबिन कहते हैं एंड दिस इज द वेरी रीजन बाय कलर ऑफ ब्लड इज रेड रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है ये ऑलमोस्ट 120 ट्वेंटी डेज है दे आर फाउंड इन बोन मैरो ये हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं हमारे स्पाइन के अंदर जो बोन मैरो होता है वहां पाए जाते हैं न वॉट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज ऑफ बॉडी यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है लंग्स के अंदर वहां से बॉडी टिश्यूज के अंदर पहुंचाना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है इट ब्लड सेल्स डब्ल्यू बी सीज ये क्या होते हैं दे आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स आरबीसी और डब्ल्यू बी सीज में ये बहुत बड़ा फर्क है कि डब्ल्यू बी सीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दे आर लेस इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स अबाउट फाइव थाउजेंड डब्ल्यू बी सीज पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड बे आर मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम आउटसाइडर्स जो भी आउटसाइड से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना और अपनी बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो डब्ल्यू करते हैं प्लेटलेट्स अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं प्लेटलेट्स आर राउंड कलरलेस कॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स राउंड कलरलेस कॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये राउंड शेप्ड होते हैं कलरलेस होते हैं ल्प इन कोग्युलेशन ऑफ ब्लड दे आर कॉल्ड थॉर्न बोसाइट्स ये हमारे ब्लड को कॉग्युलेट करने का काम करते हैं कॉग्युलेट मतलब क्या होता है बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन जैसे हमें कभी चोट वगैरह लग जाए तो उस चोट को जल्दी सुखा देने का या जल्दी हील कर देने का जो प्रोसेस है वो प्लेटलेट्स कैरी आउट करते हैं वेन एवर यू हैव कट ऑन यूर बॉडी ब्लड कम्स आउट द ब्लीडिंग इज स्टॉप

ब्लड किन चीजों से बनता है हमें पता चल गया कैसे मैन्युफैक्चर होता है हमें पता चल गया लेकिन इससे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना इज द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरा होता है ब्लड वेसल्स बेसिकली एक पूरा ऐसा नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है इट इंक्लूड्स आर्टरीज एंड वेन्स आर्टरीज और वेन्स दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड कैरियर्स हैं जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है बेसिकली हम प्योर ब्लड बोलते हैं दे आर थिक इलास्टिक एंड डिवाइडेड इंटू स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल ब्लड वेसल्स ये थिक होते हैं इलास्टिक यानी कि इनके शेप जो है वो इजीली मॉडिफाई हो सकते हैं और ये ब्लड वेसल्स के एक बहुत छोटे नेटवर्क के अंदर पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं नाउ इनके अंदर एक एक्सेप्शनल केस ये है पल्मोनरी आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टरी आर्टरीज विच आर प्रेजेंट इन कैपिलरीज अब ये कैपिलरीज क्या होते हैं हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे मीन ये क्या करते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लंग्स के लिए यानी कि लंग्स तक ये डी ब्लड कैरी करने का काम पल्मोनरी आर्टरीज करते हैं और वहां पे जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है उसे आर्टरीज कैरी करते हैं पूरे बॉडी पे वेन्स व्हाट आर वेन्स वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी हमारे हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करना वेन्स का काम होता है हमारे सारे पार्ट्स में से डी ब्लड को कैरी कर लिया और उसको हार्ट तक ले जाना ताकि उसको प्योरीफाई किया जाए उसको ऑक्सीजनेट किया जाए ये वेन्स का काम होता है दे आर थिन इलास्टिक एंड प्रेजेंट क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ स्किन ये हमारे स्किन के बहुत नजदीक प्रेजेंट होते हैं हाउ एवर पल्मोनरी एंड अमबायलिकल वीन्स आर दी ओनली वीन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन जस्ट एज आर्टरीज सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल आर्टरीज या वेन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं आर्टरीज नॉर्मली प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज इसका ठीक उल्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं वहीं वेन्स यूजली डी ब्लड कैरी करते हैं लेकिन पलमोनरी वेन्स इसका ठीक उल्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कैपिलरीज नाउ वॉट आर कैपिलरीज कैपिलरीज आर वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स दैट आर सो स्मॉल इन साइज दैट इवन सिंगल लेट ब्लड सेल कैन बेयरली फिट इन इट ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि इनके अंदर एक आर बी सी पूरी तरीके से फिट भी नहीं हो सकती लेकिन ये हमारे बॉडी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं वाई बिकॉज दे आर बेसिकली द कनेक्टर्स बिटवीन आर्टरीज एंड वेन हमारे आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का जो काम है ये कैपिलरीज करती है नाउ दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में कुछ एलिमेंट्स को एक्सचेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं दिस इज वाई टिश्यूज दैट आर वेरी एक्टिव सच एज आर मसल्स लिवर किडनी एक्सेट्रा यहां पे कैपिलरीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता लिम्फ लिम्फ अब लिंफ क्या होता है सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एस्केप यानी कि कुछ पोर्स जो कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो यहां से निकल के एक इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में चले जाते हैं जो कि एक फ्लूइड से बनी हुई होती है दैट इज नोन एज लिम्फ लिम्फ जो है वो प्लाज्मा के जैसा होता है सिंस बोथ ऑफ देम आर फ्लूइड बट फर्क ये होता है कि लिम्फ इज कलरलेस एंड इट कंटेन्स लेस प्रोटीन इसके अंदर प्लाज्मा के मुकाबले कम प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होता है लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू इंटरसेल्युलर स्पेसिस बिटवीन ब्लड जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस का मैंने अभी जिक्र किया था उन्हीं के अंदर ये जो फैट एब्जॉर्ब किया जाता है इसे ट्रांसफर करना काम होता है लिम्फ का अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी कि आर्टरीज और वेन्स के एक पूरे नेटवर्क की तरह लिम्फ्स का भी एक पूरा नेटवर्क होता है हमारे बॉडी में दैट इज नोन एज लिम्पैटिक सिस्टम द ह्यूमन circulatory सिस्टम कंसिस्ट अनदर बॉडी fluid कॉल्ड लिम्फ इट इज नोन एज टिश्यू fluid. और इसका जो पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में फैला हुआ होता है दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम दीज आर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स नॉड्स एंड डक्ट्स बहुत सारे ऑर्गन्स नॉड्स और डक्ट्स आपस में मिलकर इस पूरे सिस्टम को बनाते हैं नाउ वॉट इज ब्लड प्रेशर द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर आपने बसिकलीसॉर्व किया होगा कि जब भी हम किसी लिक्विड को से जब हम पाइप के अंदर से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कभी कभी वो पाइप के अंदर से एकदम स्मूदली जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जाता है तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को यहां हम ब्लड प्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो करता है अपने ब्लड वेसल्स को एक पाइप की तरह समझ के देखते हैं इन ब्लड वेसल्स के अंदर से जब ये ब्लड फ्लो करता है तो जो प्रेशर वो जनरेट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर अब ये दो तरीके का होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब प्रेशर जो है वो आर्टरीज के अंदर जनरेट होता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा जब प्रेशर जो है रिलैक्सीशन uh, के टाइम पे यानी कि थोड़ा सा कम महसूस किया जाता है दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा जब भी डॉक्टर्स आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताते हैं तो वो दो तरीके का प्रेशर बताते हैं एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक जनरली वो बोलते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना है एंड नीचे का इतना है तो वो बेसिकली ऊपर का एंड नीचे का यही मूवमेंट बताता है नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अबाउट वन ट्वेंटी एंड डायस्टोलिक इज अबाउट वन एट्टी अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी है एंड डायस्टोलिक एट्टी है न यू आर कंसिडर्ड टू बी हैविंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी हाई और लो ब्लड प्रेशर अब यह ब्लड प्रेशर जिस मशीन से हम लोग नापते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्विगमोमेनोमीटर स्विगमोमेनोमीटर ह्यूमन हार्ट अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लड को ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक सिस्टम को अब एंड यानी कि जो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है सर्कुलेशन के अंदर दैट इज ह्यूमन हार्ट नो व्हाट इज ह्यूमन हार्ट ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चेंबर्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड आउट इनटू द ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर वापस से पंप करता है दैट इज ह्यूमन हार्ट द प्रेशर दैट इज पंपिंग जनरेट्स इज इनाफ फॉर द ब्लड वेसल्स टू कैरी द ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी अब ये पंप इसलिए करता है ताकि ये इतना प्रेशर कम से कम जनरेट कर पाए कि ब्लड वेसल्स जो है वो पूरा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं अब तक हमने डिस्कस किया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ हार्ट इन एनी ऑर्गेनिज्म इज़ टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि पूरे बॉडी के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करके रखना एंड दैट टू ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस ह्यूमन हार्ट इज ए होमोलोगस ऑर्गन एंड द फंक्शंस आर नो डिफरेंट फॉर एनी वर्टेब्रेट हार्ट का जो फंक्शन हर एक वर्टेब्रेट में होता है वही हमारे लिए भी है द ह्यूमन हार्ट इज टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पम्प करना सबसे पहला और सबसे अहम फंक्शन है ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन हॉर्मोन्स ग्लूकोज टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन हॉर्मोन्स और ग्लूकोज जाता है पूरे बॉडी के अंदर वो हमारे हार्ट के थ्रू ही जाता है हार्ट आल्सो एंश्योर्स द एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द बॉडी हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो सही तरीके से मेंटेंड रहेगा इसका भी पूरा ध्यान हमारा हार्ट ही रखता है नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्क्युलेशन हमारे बॉडी में कितने अलग अलग तरीके के सर्क्युलेशन होते हैं एक बार उनके बारे में बात करते हैं फर्स्ट इज पलमोनरी सर्क्युलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट ये वो सर्कुलेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना लंग्स में ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए एंड जब वो ऑक्सीजनेट हो जाए तो उन्हें वापस हार्ट के अंदर ले आना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमारे सर्कुलेशन का दूसरा पोर्शन है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट से पूरे ऑर्गन्स के अंदर एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स से हार्ट के अंदर वापस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सर्क्यूलेशन इज कोरोनरी सर्क्यूलेशन अब ये क्या होता है जनरली ऑर्गन्स लाइक ब्रेन नीड अ स्टडी फ्लो ऑफ फ्रेश एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंश्योर फंक्शनैलिटी ब्रेन जैसे ऑर्गन्स को फ्रेश फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से चलाया जा सके एंड हार्ट इट्स सेल्फ इज अ मसल दैट नीड्स कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट और ब्रेन हमारे बॉडी के दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माने जाते हैं और इन दोनों को ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड की कॉन्स्टेंट सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहां कोरोनरी सर्कुलेशन का एक बहुत अहम रोल सामने आता है कोरोनरी सर्कुलेशन इज एन एसेंशियल पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू हार्ट ये वो पोर्शन है जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट को सप्लाई किया जाता है इसे इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस स्टेप के पूरे होने के बाद ही हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सर्क्यूलेशन इज डबल सर्क्यूलेशन अब ये क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज थ्री की कंपोनेंट्स ब्लड वेसल्स ब्लड एंड हार्ट डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती है बेसिकली जैसा नाम से पता चल रहा है इट इज अ इन विच ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट हर एक सर्किट के अंदर हमारा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से दो बार निकलता है दैट इज नोन एज डबल सर्क्यूलेशन एग्जैक्टली होता क्या है द राइट पंप सेंड्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वेयर इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड

अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की सबसे पहले हार्ट बीट हार्ट बीट बेसिकली क्या है इफ यू कुड क्लियरली ऑब्जर्व यह एक रियल ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है जो कि रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है दिस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन बायर ह्यूमन हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट इज अबाउट सिक्सटी टू एटी टाइम्स पर मिनट अब ये हम स्टेथोस्कोप से इजिली नाप सकते हैं पल्स रेट पल्स रेट इज द नंबर ऑफ बीट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर हार्ट मेक पर मिनट पल्स रेट बेसिकली क्या होता है हमारे ब्लड का जो फ्लो है पूरे बॉडी के अंदर दैट इज मेजर्ड बाय पल्स रेट इट इज नॉर्मली 60 टू 100 बीट्स पर मिनट बट इट कैन वेरी मिनट टू मिनट अगर हमारा ये पल्स रेट 130 थर्टी टू वन हो जाता है इफ़ वी आर एक्सरसाइजिंग देन इट्स ऑल्सो कंसिडर टू बी नॉर्मल बिकॉज एट दैट सिचुएशन आर बॉडी इज इन नीड ऑफ मोर ऑक्सीजन एक्सरसाइज करते वक्त हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिसे पूरा करने के लिए ये पल्स रेट जो है वो ज्यादा हाई हो जाता है इफ़ इट इज 130 थर्टी टू वन फिफ्टी देन इट इज एब्सोल्यूटली नॉर्मल स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट द साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आर बॉडी जनरली रबर ट्यूब्स के साथ कनेक्ट किया जाता है दो बर्ड्स को जिन्हें ईयर में प्लेस किया जाता है एंड्रोज का सर्क्यूलर एंड है दैट इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट टू मेजर हिज हार्ट बीट जनरली ये तरीका अपना पल्स रेट नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बट नाउ डेज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स प्रेफर पल्स ऑक्जीमीटर वॉट इज अ पल्स ऑक्जीमीटर अ पल्स ऑक्जीमीटर इज अ स्मॉल लाइट वेट डिवाइस दैट इज यूज टू मोनिटर दफ ऑक्सीजन कैरेड इन आर बॉडी ये एक ऐसा टूल है जो पेनलेसली हमारे फिंगर टिप से बता सकता है कि हमारा पल्स रेट कितना चल रहा है एंड हमारे बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट लाइफ प्रोसेस की जिसका नाम है एक्सक्रीशन अब तक हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी को रेगुलर एक्टिविटीज करने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हम लोग हमारा फूड इनटेक कैसे करते हैं और उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं फॉर डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डाइजेस्ट कैसे किया जाता है जो फूड हमने इनटेक किया है उसे और जो सॉलिड वेस्ट है उसे हमारी बॉडी से डंप आउट कैसे किया जाता है उसके बाद हमने बात की कि ऑक्सीजन जो कि एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का उसे हमारी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे किया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लंग्स के थ्रू उन्हें बाहर कैसे निकाला जाता है रेस्पिरेशन उसके बाद यह एनर्जी कंपोनेंट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया कैसे जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन अब फाइनल स्टेज यानी कि हमारे बॉडी से वेस्ट डंप आउट करना उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ एक्सेस वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट इन आर बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट जो भी प्रेजेंट है उसे निकाल देने का प्रोसेस एक्सक्रीशन है एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक वेस्ट ये अनवांटेड बाय प्रोडक्ट और टॉक्सिक वेस्ट को निकाल देता है इट रेग्यूलेट्स द आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी फ्लूइड्स का आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है इट रेगुलेट्स द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे वाटर कंटेंट में कमी नहीं आए इस चीज का ध्यान रखता है इट रेगुलेट्स द पी लेवल ऑफ आर बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में जो भी इसेंशियल फ्लूइड्स हैं उनका पीएच लेवल मेंटेन रहे इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट बट वेरी स्लोली इन वेरी स्मॉल अमाउंट प्लांट्स जो हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं बट वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है और उनके वेस्ट का अमाउंट बहुत स्लो होता है दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट उनके पास कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर पाए प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स के पास दो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों वेस्ट से रिड आउट होने के लिए या उन दोनों वेस्ट को उसकी बॉडी से निकाल फेंकने के लिए स्टोमेटा के जो पोर्स हैं

स्टोमेटा के पोर्स से या स्टेम के लेंटिल्स से जब एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा दैट थिंग इज नोन एज दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन स्टोरिंग स्टोरिंग क्या होता है कई बार ऐसा होता है प्लांट अपने कई बॉडी पार्ट्स के अंदर काफी सारा वेस्ट जो है वो स्टोर कर लेता है प्लांट्स डू हैव दैट टेंडेंसी फॉर एग्जाम्पल जैसे लेटेक्स जो कि रबर प्लांट में पाया जाता है या बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऑयल्स जो पाए जाते हैं या जो गम्स या रेजिंग पाए जाते हैं दे आर जनरली स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट फॉर एग्जाम्पल बार्क स्टेम या लीफ ऑफ द ट्री इवेंचुअली दीज पार्ट शेड आउट एंड दे कैन बी यूज एज यूजफुल प्रोडक्ट फॉर अस डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है एक्टिक प्लांट्स एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन वो जनरली डिफ्यूजन के थ्रू अपना जो वेस्ट है उसे रिलीज करते हैं जैसमीन लेटेक्स रबर ट्री पपाया ट्री ये सब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अपना वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मैनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा थ्रो आउट देयर वेस्ट बाय डिफ्यूजन बहुत सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना वेस्ट बाय डिफ्यूजन ही बाहर निकाल देते हैं एंड उनमें से जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाले हैं उनके अंदर भी कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन ना होते हुए उन्हें भी डिफ्यूजन का ही मेथड फॉलो करना पड़ता है इफ वी टॉक अबाउट सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा हाइड्रा थ्रो देयर वेस्ट आउट फ्रॉम देयर माउथ ओनली यानी कि उनके अंदर इंजेशन करने का प्रोसेस भी सेम है एंड एक्सक्रीशन करने का प्रोसेस भी सेम है दैट इज फ्रॉम देयर माउथ अब जो थोड़े से हायर कैटेगरी के या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर हैं दे डू हैव सम स्पेशर्गन्स या एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वम्स लीच इन लोगों के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद हैं जो कि इनके लिए एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स ग्रासहापर कॉक्रोच एंड हाउस फ्लाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम देअर बॉडी इनके बॉडी से जनरली जो वेस्ट है वो अमोनिया यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है थ्रू सम स्पेसिफिक ऑर्गन अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी क्या कैटेगरी है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाइनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इनके अंदर से जो वेस्ट है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में ये वेस्ट रिलीज किया जाता है ज एनिमल्स विच एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिकोटेलिक बोला जाता है अमोनिया हाईली सोल्यूबल होता है वॉटर के अंदर जिससे हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि यह जनरली एक्वेटिक एनिमल्स परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर सो मोस्ट ऑफ द वॉटर लॉस ऑफ द बॉडी हैपेन्स जनरली इन एक्टिक ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज इसीलिए किया जाता है बिकॉज रिलीज ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट सारे एक्टिक ऑर्गेनिजम्स चाहे वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हों चाहे वो एक्वेटिक एम्फीबियंस हों सब इसी तरीके से अपना वेस्ट जो है वो डंप आउट करते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिन भी बोनी फिशेज की बात की जाए या एम्फीबियंस में फ्रॉग्स उनकी अगर हम बात करें तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना वेस्ट जनरेट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर इसमें जनरली बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है और यूरिक एसिड जो है वो कंपेरेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर होता है एंड इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड के थ्रू अपना वेस्ट डंप आउट करते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मेनली यूरिया के फॉर्म में अपना जो वेस्ट है वो डंप आउट करते हैं जनरली ये ऑर्गेनिजम्स सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं एम्फीबियंस मैमल्स वो जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं ना हम इन्हें कंप्लीटली एक्वेटिक बोल सकते हैं ना कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं ऐसे जो एनिमल्स हैं ये जनरली अपना वेस्ट जो है इन फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वो डंप आउट करते हैं नाउ यूरिया अगेन इज लेस टॉक्सिक एंड इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लो अमाउंट ऑफ वाटर अब एनिमल्स के अंदर हमें पता चल गया कि कैसे कौन से तीन तरीकों से एक्सक्रीशन किया जाता है लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम दिया गया है हमें फॉर एक्सक्रीशन दैट इज नोन एज एक्सक्रिएटरी सिस्टम अब हमारी बॉडी में क्या किया जाता है जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेस से न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे किए जाते हैं वैसे ही उन न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ यूजफुल और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इकट्ठे होते हैं अब इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से डंप आउट करना बहुत जरूरी होता है और ये जो काम है ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है बेसिकली हमारे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी अ ऑफ यूरेटर अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ ये चार ऑर्गन आते हैं अब ये चारों ऑर्गन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक बार उसके ऊपर नजर घुमाते हैं किडनीज किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ बैक बोन दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर रिब्स एंड मसल एट द बैक किडनीज बीन शेप स्ट्रक्चर के होते हैं अगर आपने कभी बीन देखा है, तो आप एक्जैक्टली exactly रिलेट कर पाओगे किडनीज के शेप से। ये हमारे रिब केज के ठीक नीचे, हमारे बैकबोन के दोनों तरफ होते हैं इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है थ्रू रिब्स एंड थ्रू मसल्स ऑफ आर बैक एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर ये किडनी की लेंथ 10 टू 12 सेंटीमीटर हो सकती है यानी कि पांच इंच के करीब एंड विड जो है वो पांच से सात सेंटीमीटर हो सकती है यानी कि तीन इंच के करीब एंड किडनी कैन वे अराउंड अराउंडी टू वन सेवेंटी किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से कॉन्केव है एंड बाहर से कॉन्वेक्स है इट इज कॉन्केव फ्रॉम द इनर साइड एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम द आउटर साइड और उसके अंदर जो नॉच है उसे हम हीलियम बोलते हैं एंड दैट इज द थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंटर द नर्व्स ऑफ़ किडनी जो ब्लड वेसल्स हैं वो किडनी के अंदर इसी रास्ते के थ्रू एंटर किडनी सबसे पहले कैप्सूल किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल एंड इन साइड द किडनी इट इज डिवाइडेड इन टू टू डिफरेंट पार्ट अंदर से किडनी को दो हिस्सों में बांटा जाता है दैट इज कॉटेक्स एंड मेड्यूला अब इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान होता है मेड्यूला जो है वो आउटर सरफेस होता है यानी कि बाहर की जो बाउंड्री है वो मेड्यूला है इट इज बेसिकली डार्क ब्राउन इन कलर एंड कॉटेक्स जो है वो उसके अंदर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है इट इज स्लाइटली रेड इन कलर एंड इन साइड द कॉटेक्स देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स नेम्ड नेफ्रॉन तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की हर एक मैमल के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच लेंथ हैज अप्रॉक्स 35 फाइव टू फिफ्टी फाइव जिसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 फाइव टू फिफ्टी फाइव लॉन्ग होती है इसके एक एंड पे बहुत बड़ी सी ट्यूब होती है जो कि क्लोज होती है and it is folded and expanded into a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. उसे Bowman's capsule के साथ जोड़ा जाता है। अब structure of nephron जो है उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला renal tubule and उसके बाद renal corpuscle. Now what is renal tubule? रेनल tubule इज अ लॉन्ग कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर दैट emerges फ्रॉम glomerulus एंड इट कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री based बेस्ड ऑन इट्स जो रेनल tubule है वो बहुत लंबा और कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरलस से शुरू होता है इसे बेस्ड इट्स फंक्शंस हम तीन अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं सबसे पहला पी सी टी tubule कॉन्व्यूलेटेड सेकेंड इज हेनल लूप एंड थर्ड इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल अब ये तीनों क्या है इन्हें एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल द ब्लड ब्रॉड फ्रॉम रेनल आर्टरी इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट इज पास्ड इन टू पी जो ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू आता है उसे ग्लोमेरुलस में फिल्टर किया जाता है और टी के अंदर भेज दिया जाता है नाउ मैक्सिमम री ऑफ रिक्वायर्ड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन के अंदर अभी भी जो रिक्वायर्ड इजेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ग्लूकोस हो गया प्रोटीन्स हो गए अमाइनो एसिड हो गया या वाटर हो गया इन सब का रीएब्सॉर्बेशन मोस्टली पीसीटी में ही किया जाता है एंड पीसीटी ऑल्सो सीक्रेट्स आयन्स लाइक हाइड्रोजन अमोनिया एंड पोटेशियम टू फिल्टर नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैनल्स लूप हैनल लूप क्या है इट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब इसके अंदर दो लिम्ब होते हैं असेंडिंग लिंब और डिसेंडिंग लिंब जो डिसेंडिंग लिंब है दैट इज परमीएबल टू वॉटर बट इम परमीएबल टू इलेक्ट्रोलाइट वेइल असेंडिंग लिंब इज परमीएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एज वेल जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए तो परमीएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं वेर एज असेंडिंग जो लिंब है उसमें वाटर के लिए भी परमीएबल है एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी परमीएबल है अगला पार्ट है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल अब ये क्या होता है डी सीट इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये जनरली सारे कंटेंट्स को डक्ट के अंदर खाली कर देता है द कलेक्टिंग डक्ट कंटेंट्स from multiple nephrons fuse together and enter the renal medulla sare collecting ducts ka jo material hai wo collect ho renal medulla ke andar chala jata hai and just like pct dct also secretes hydrogen and potassium ions and nh3 to filter it और reabsorb करने के लिए HCO3 यानी कि hydrogen carbonate को भी इस्तेमाल में लिया जाता है कंडीशनल रीअबॉर्ब्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डी सी टी रेनल कॉप्सल्स रैनल कॉप्सल्स जो है ये बाउमंस कैप्सूल के अंदर जो चारों तरफ ग्लोमेरेस सराउंडेड होता है वहां पर पाए जाते हैं ग्लोमेरेलस जो है ये दो तरीके के एट्रियोल्स के अंदर से आता है दैट इज एफरेंट एट्रियोल्स एंड इफरेंट एट्रीओल्स अब इफरेंट एट्रियोल्स का जो डायामीटर है वो छोटा होता है जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है फंक्शंस ऑफ किडनी अब किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ जाने के बाद किडनी के फंक्शंस को समझते हैं किडनी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेनिंग बॉडीज पीएच लेवल हमारे बॉडी का पीएच लेवल अच्छे से मेंटेन रखना रीअब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को रीऐब्जॉर्ब करना रेगुलेट द ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी हमारे बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करना एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस फ्लूइड हैं चाहे वो स्वेट हो चाहे वो यूरिन हो उसे हमारे बॉडी से रिमूव करना एंड सेक्रेट हॉर्मोन्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एसिड रेगुलेशन इन आर बॉडी हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए यूज होने वाले हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना एंड एसिड का जो लेवल है उसे मेंटेन रखना अब बात करते हैं यूरेटर की यूरेटर थिन मस्क्यूलर ट्यूब होती है जो कि किडनी से कनेक्टेड होती है किडनी में बेसिकली रेनल पेल्विस से कनेक्टेड होती है रेनल पेल्विस वो जगह है जहां पे नेफ्रॉन से सारा टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होता है डंप होता है यहां से उसे भेजा जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बाय यूरेटर सो बेसिकली यूरेटर इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट किडनी टू यूरेनरी ब्लेडर इफ यू टॉक अबाउट यूरनरी ब्लेडर इट इज अक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर यूरीन अंटिल मिक्च्यूरेशन मिक्स्यूरेशन क्या है इट इज एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन आउट ऑफ आर बॉडी जनरली यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे बॉडी में यूरिन को कैरी करता है तब तक जब तक कि हम उसे अपनी बॉडी से डंप आउट नहीं कर देते यूरेथ्रा यूरेथ्रा इज दैसेज दैट एक्सपेल्स आउट यूरिन फ्रॉम आर बॉडी हमारे अंदर इन मेल्स इट इज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन अब हम लोग बात करते हैं किडनी डैमेज की चीज चीजें हमने अब तक समझा कि किडनी जो है एक्सक्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम ऑर्गन माना जाता है बट वॉट इफ इट गेट्स डैमेज ड्यू टू एनी इंफेक्शन इन किडनी एनी इंजरी इन किडनी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी किडनी में स्टॉप वर्किंग हमारी किडनी या तो किसी इंफेक्शन के कारण या किसी चोट के कारण या पूरी तरीके से ब्लड फ्लो ना हो पाने के कारण खराब हो सकती है इट मे रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी दैट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट एंड इट मे लीड्स टू फेलियर ऑफ डंपिंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी दोनों ही सूरतों में हमारे बॉडी को सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी से होता क्या है यूरिया जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है एंड एज अ रिजल्ट वो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ ही मिक्सड रहता है जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड होने के चांसेस में रहती है नाउ वॉट आर द सोल्यूशन ऑफ किडनी डैमेज किडनी डैमेज से क्या क्या चीजें हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं क्या क्या चीजें बचा सकती हैं बेस्ट सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा उपाय सॉल्यूशन इस चीज का क्या हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट दिस इज डैमेज किडनी इज रिमूव फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड मैचिंग किडनी इज ट्रांसप्लांटेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन जो खराब हो चुकी किडनी होती है उसे निकाल दिया जाता है एंड आइडेंटिकल किडनीज को रिप्लेस कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी इफ पेशेंट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट